ये देखो भाई सुबह सुबह का मौसम फिलहाल तो मैं तो गाड़ियां भी ना तो गाइस देख सकते हैं आप ऐसे हमने सामान यहाँ पर लगा दिया भाई ये बोलता ही नहीं भाई मेरे ब्लॉग में पता नहीं क्यों दोस्तों आज पेपर है ना मैं खुश हूँ हाँ भले ही मैंने पढ़ा नहीं है हाँ ये करो आंटी क्या हाल चाल हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ इन पहाड़ों की खूबसूरत सी वादियों में तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहाड़ों में हो गया ठंड शुरू इसलिए बहुत ठंडा हो रहा है सुबह सुबह ऐसा गेटअप में आना पड़ रहा है तो गाइस हमारी चल रही है धनतेरस की तैयारी आधा सामान हमारा उधर है और हमें अंदर शिफ्ट करना है कुछ यहाँ करूंगा कुछ बगल वाली दुकान पे शिफ्ट करूंगा और लुक देखो भाई अभी सुबह का मस्त एकदम ये देखो भाई सुबह सुबह का मौसम एकदम बहुत प्यारा है तो देख सकते हैं आप आधा काम तो हमने कर दिया है यहाँ पर इतने सारे आधा बाहर में लगाया भी दिखाऊंगा आपको फिलहाल तो मैं एक दो गाड़ियां भी ना फिलहाल तो मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि भाई गला बैठा हुआ है ना तो चाय पीना तो बनता है सबसे पहले मेरी फेवरेट भी है मजा आ गया मेरे साथ बिस्किट भी है उसके साथ देख सकते हैं आप ऐसे हमने सामान यहाँ पर लगा दिया कुछ ढेर यहाँ पर कुछ अंदर बाकी हमारी दुकान के मस्त लग रही है गौरव भाई कैसे चल रही तैयारी हैं ये तो देखते हो भाई ये बोलता ही नहीं भाई मेरे ब्लॉग में पता नहीं क्यों गांव वाला सुधीर क्या चल रहा दोस्तों चल क्या रहा ये बता दो अभी तो बहुत चल रहा मेरी आवाज बैठी हुई है ना पूरी तरह से ना बेकार हो गया यार आवाज बैठी हुई है ब्लॉग डालोल की नहीं डालोल में कोई पता नहीं मेरा बस सुधीर हूँ ना सुधीर आज पेपर है ना मैं खुश हूँ हाँ भले ही मैंने पढ़ा नहीं है क्यों पढ़ रहे थे लेकिन फिर भी हम पेपर फाड़ देंगे पेपर फाड़ना है भाई पूरा करके फाड़ना है ना गर्व तेरा भी कॉलेज में पेपर है ना आज इंटरनल प्रैक्टिकल इधर देख के बोलना अरे लोग तेरे को देखना चाहते भाई लोग कमेंट करेंगे गौरव को दिखा अरे तो गौरव यहाँ पर काम करा भाई कितनी गिरा दी ये गौरव पैरों में डाल रहा पानी दुकान का सारा काम हो चुका है अब जाऊंगा मैं रूम पे मेरा भाई भी जाएगा और उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे क्योंकि आज हमारा पेपर वो भी इंटरनल असाइनमेंट है ना हमारा केमिस्ट्री का भाई तो आज हम सुबह 5 बजे दुकान आ गए थे उसके बाद हमने बहुत ये दुकान लगाई और माल आया माल खोला हमने मतलब कुछ भी हो रहा है यार हमारे साथ कभी भी कुछ भी ब्लॉग बना देता हूँ मैं और कहीं का कहीं जोड़ देता हूँ तो मैंने सोचा यार जब तैयारियाँ हो रही है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ बाकी यादें बनी रहेगी यार अभी मैं घर नहीं जा पाया तो मेरा एक ब्लॉग था बहुत पहला 2 साल पहला एक ब्लॉग बनाया था मैंने तो मैंने वो देखा भाई मेरे को एकदम बढ़िया लगा ना मैंने सोचा यार ब्लॉग बनना चाहिए भाई क्योंकि बाद में कौन देखे यार कि चीज़ें हो ना हो जिस तरह से हम सोचते हैं तो ब्लॉग भी ठीक ही है यार अपने लिए कोई ना देखे कोई दिक्कत नहीं मैं जब से मैं कॉलेज लाइफ में आया हूँ ना मैंने इतनी चीज़ें देख ली ना भाई क्या बताऊँ मैं 2 सालों में इतना कुछ हो गया ना भाई एक तो गाड़ियाँ चल रही है मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं नींद आ रही अरे भाई सुबह उठ गया था नींद आ रही इसको तो अभी ना मैं रूम पे पहुंच चुका हूँ और फटाफट से अब रूम का काम करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ तो गाइस अभी गौरव यहाँ पर तैयार हो रहा है गौरव भाई मेरा गला दर्द हो रहा है ना इसलिए मैं लेट आऊँ अभी थोड़ी देर और भाई लगा है तैयार होने पे ऑल राइट गाइज अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज फुल रेडी हो चुका हूँ एकदम कॉलेज जाता हूँ पेपर देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ या फिर कॉलेज में कुछ वीडियोज भी बना लूंगा देखते क्या होता है सबसे बोरिंग डे था भाई आज कॉलेज पे जैसे तैसे हम इंटरनल पेपर देख के तो आ गए भाई अब तैयारी करनी पड़ेगी नेक्स्ट पेपर होगी कल बॉटनी है फिर केमिस्ट्री सेकेंड होगी फिर बॉटनी सेकेंड है आई मैं फटाफट खाना बनाता हूँ
तो अभी ना मैंने खाना भी खा दिया और मैं अब जा रहा हूँ दुकान घर के लिए खाना लेके। और दुकान में और भी सामान आया है धनतेरस के लिए, तो भाई उसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से, सेटिंग करते हैं, बहुत काम है दुकान में तो करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बाकी कुछ नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, हम बिजी हैं, पेपर भी साथ साथ चल रहे हैं, काम भी साथ साथ चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं कर देंगे। चलो भाई, गौरव भूखा होगा। एक तो ना मेरे कमरे के अंदर पता नहीं शोर क्यों होता रहे, तो बार बार भी पता नहीं सी करके, हमारे यहाँ इनको बोलते लियारी, पता नहीं आपके इधर क्या बोलते होंगे। कैसा बना है? खाली हाथ से सारा मत कर, बता दिया अभी कर। एक नंबर। हर वीडियो में तेरे एक नंबर सुन के ना मैं पागल हो गया हूँ। खाते वक्त भी इसको मोबाइल ही चाहिए। मोबाइल छोड़, खाना खा पहले, बंद कर मोबाइल, खाना खा, खाना खा दो मोबाइल। चलो चल। तो गाइस तहस नहस देखो यहाँ क्या क्या हो रखा है, पूरी सेटिंग खराब हो रखी है, इधर की भी पूरी सेटिंग खराब, इधर की भी, और अंदर तो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया है, और जो मैंने जैकेट डाला था ना वो भी खोल दिया भाई मैंने। भाई तू लगा अपने काम पे, मेरा काम है इनको सेटिंग करना, तो मैं सेटिंग करूंगा भाई। देख सकते हैं आप गोदाम भी एकदम लोड बना है, और भाई हालत डाउन हो के, जब से कॉलेज से आए तब से लगे भाई हालत डाउन हो के, पूरे 3-4-5 पता नहीं कितने घंटे हुए, अभी बहुत काम है। ला कहाँ घुसेड़ूं इसको, कहाँ डालूं, यहाँ तो ऑलरेडी फुल है। चलो डाल देते हैं जैसे तैसे एडजस्ट करके। तो फाइनली गाइस 2-3 घंटे की पूरी मेहनत के बाद दुकान कुछ ऐसी लग रही है, देखो आप ऐसी, हाथ तो गंदे, हाथ पे मत देखो मेरे, ये दुकान देखो आप, इधर आपको एक बार इधर से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी हमारी दुकान लग रही है अभी, पूरी मेहनत करके ये लाइन सेट, वो लाइन पूरी जगह से सेट करके, ये एरिया मैंने दिखाया था आपको, ये कुछ ऐसा किया, इधर भी साफ कर दिया, और जो टी सेट थे सारे इधर लगा दिए हमने, तो कुछ ऐसा लग रहा है। एक चीज मैंने ना भी नोटिस की, मेरे मुंह पे ना पूरा धूल धूल सी लगी है, इधर काला काला सा लग रहा है, तो बहुत फनी लग रहा हो। बाकी गौरव ये रहा, आंटी क्या हाल चाल, ये आपके ट्रे, आंटी का यही पोज सबसे खतरनाक है ये वाला। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट को शेयर करो, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।